नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में क्रिसमस पर्व मनाने का जोश युवाओं में दिखाई दिया। जगह जगह प्रार्थना व सभाएं हुई, प्रभु यीशु को याद किया गया। खास बात रही कि कई स्थानों पर ईसाई ही नहीं सभी धर्म और जाति के लोगों ने पूरे उल्लास के संग आयोजन में भाग लिया और एक दूसरे को फूल व चॉकलेट का उपहार भी दिया। शहर के जज्जी चौराहा स्थित होली ट्रिनिटी चर्च पर सुबह से ही लोग खासकर युवा वर्ग की भीड़ उमड़ी रही। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत सादगीपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा हुई। हालांकि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मेले जैसा दृश्य रहा। बच्चे दिन भर यहाँ आनंद लेते रहे। विशेष प्रार्थना सभा के बाद मुख्य हॉल का गेट बंद कर दिया गया था। लोग घंटों इंतजार करते रहे। क्रिसमस डे के साथ नए वर्ष की तैयारियां शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और बड़े दिन की हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। अपने जनपद आजमगढ़, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश और अपने देशवासियों को इस जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा दिन इसलिए मनाते हैं कि शास्त्रों के कथन अनुसार हम जो बड़ा दिन मनाते हैं वो शास्त्रों के कथन अनुसार सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में मानव उत्थान के लिए अपना देह धारण किया। बड़ा दिन संसार भर में उत्साह, प्रेम, शांति, आनंद एवं भाईचारे का महान पर्व है और इसलिए इसको मनाया जाता है, क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना दे धारण किया, अपना पुत्र के रूप में दे धारण किया और प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में जन्म लिया ताकि कोई मानव जाति नाश न हो परंतु हर एक अनंत जीवन प्राप्त करे। यह परमेश्वर का मानव जाति के लिए एक महान प्रेम है, उसका त्याग है, उसका महान बलिदान है जो मानव जाति के लिए उसने किया। मैं एक बार फिर से अपने जनपद आजमगढ़ और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश और अपने देशवासियों को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर अनुग्रह करे कि परमेश्वर अपने हाथों में रखे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें समझ दे भाईचारे की प्रीति में और एक साथ चलने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर का धन्यवाद। सुबह से कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? हमारी जो आराधना, हमारा जो क्रिसमस का कार्यक्रम है, सबसे पहले तो एक आयोजन होता है जो कि चर्च के बर्थडे के रूप में जिसको हमने सेलिब्रेट किया और इस चर्च बिल्डिंग को बने हुए 208 वर्ष हो गए और उसको हमने सेलिब्रेट किया चर्च बर्थडे के रूप में। दूसरा जो आयोजन हमारा हुआ था वो कैंडल लाइट सर्विस के रूप में था, यानी दीपों का त्यौहार और यीशु मसीह दीपक बन करके संसार में आया, इसीलिए हम कैंडल लाइट वर्शिप को करते हैं, आराधना करते हैं और तमाम दीपों को प्रज्वलित करते हैं और ऐसे ही गीतों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तीसरा हमारा होता है कि घरों में जा कर के कुछ लोग होते हैं, कलीसिया के जवान, बच्चे और बुजुर्ग भी उसमें शामिल होते हैं, हम घरों में जाते हैं।